हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आज़रा का जायका। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ तुर्किश फ्लैट ब्रेड। देखिए ये कितने सॉफ्ट बने हुए हैं, बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको ये ब्रेड बनाना सिखाऊंगी। तो आपको दिखाती हूँ इसकी रेसिपी में लगने वाले सामान और इसको बनाना सिखाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। चलिए फ्रेंड्स, आपको बताते हैं हम तुर्किश तवा ब्रेड बनाना, और इसके लिए जो सामान लगेंगे वो हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारा 120 ml मिल्क है, गुनगुना है, और ये हमारा इसी कप से हमने 3 कप मैदा ले रखा है, और आप कोई भी नाप से 3 कप ले लीजिए। और ये 120 ml हमारा गुनगुना पानी है, और हमने 1 चम्मच नमक ले रखा है, और ये हमारा 1 टेबल स्पून जो है ये हमारा ईस्ट है, इसको हम डालेंगे इसमें। और हमारा ये शुगर पाउडर भी 1 चम्मच है, बड़ा चम्मच। आप चाहें तो सिर्फ ऐसे ही शुगर ले सकते हैं, हमारे पास पाउडर था तो हमने पाउडर का यूज़ कर लिया। और इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल, तो इसमें हम मिलाते हैं ईस्ट को और शुगर को भी मिलाते हैं और नमक भी डालते हैं, और इनको हम आपस में मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इसमें हमने ईस्ट को और शुगर को और नमक को अच्छे से मिला लिया। अब इसमें हम दूध भी ऐड कर देंगे, बिस्मिल्लाह, और इसमें पानी को भी ऐड कर देते हैं, इसको हम गूंथ लेते हैं, इसको अच्छे से गूंथ के हमें ढक के रख देना है इसको 1 घंटे के लिए। इसको अच्छा सा हम डो तैयार करेंगे। अब इसमें हम ऑयल भी ऐड कर देते हैं, 1 चम्मच हमें ऑयल डालना है लगभग। इसको हम गूंथ लेते हैं अच्छे से। देखिए हमारा आटा जो हमने अच्छे से गूंथ के लगा लिया है, अब इसको हम ऊपर से ऑयल लगा के 1 घंटे से 2 घंटे के लिए रख देंगे। जब हमें बनाना होगा 1 घंटे बाद तो हम इसको बनाएंगे। फिलहाल अभी आपको दिखाने के लिए हमने पहले से एक डो तैयार करके रखा है, हम उसे आपको दिखाते हैं। ये रहा हमारा डो तैयार जो हो चुका है। ये देसी नुस्खा आजमा के हमने जो प्लास्टिक रैप होता है वो हमने रैप कर दिया। माशाल्लाह ये देखिए, ये हमने पहले से बना के रखा था। ये देखिए ये कितना अच्छा फूल गया, ये देखिए ये हमने पहले रेडी करके रखा था आपको दिखाने के लिए। ये देख रहे हैं, वाह कितने अच्छे से ये प्लफी होके उड़ गया है। अब इसके नान हम आपको तुर्किश नान बना के दिखाते हैं। इसी तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब इसके हम पेड़े काट लेते हैं। देखिए ये कितना हल्का हो गया है, बिल्कुल फ्लफी। इसके हम पेड़े काट लेते हैं। तरीके से हम इसके सारे पेड़े बना के रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे सारे पेड़े बन के तैयार हो गए हैं। अब एक एक को हम बेलते हैं, उनकी रोटियां बनाते हैं। थोड़ी कलौनी भी लगा देंगे और थोड़ा धनिया। इसी तरीके से हम सभी को बेल लेते हैं। फ्रेंड्स हमने ये सारे जो हैं तुर्किश रोटियों को बेल के तैयार कर लिया है, और अब इसे हम 15 मिनट के लिए और ढक के रख देंगे। चाहे किसी कपड़े से आप ढक दें या प्लेट से। फ्रेंड्स हमने 10 मिनट इसको ढक के रख दिया था, अब हम इसको सेकते हैं। हमने तवा को प्लेट कर लिया था, इसमें डालते हैं अपनी रोटी, बिस्मिल्लाह। एक तरफ से ये फूल जाएगी तो फिर हम इसको पलट के दूसरी तरफ से भी सेकेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से फूल गया है, अब इसको हम पलट कर भी सेक लेते हैं। दोनों तरीके तरफ से हम अच्छे से इसको सेक लेते हैं।
इसे हम थोड़ा ऑयल भी लगा देंगे हल्का सा बिल्कुल, और इसको पलट पलट कर हम अच्छे से सेक लेंगे। बहुत अच्छे और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आप इसको गोश्त के साथ खाइए, मसालेदार सब्ज़ी के साथ खाइए, आप छोले के साथ खाइए, माशाल्लाह ये बहुत अच्छे और बहुत ही लजीज लगेंगे। देखिए कितने अच्छे फूले फूले से बन रहे हैं। इसी तरीके से आप बनाएं और अपने घर वाले को खिलाएं, और हमें भी याद रखें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखिए कितने अच्छे से फूल गया है। इसी तरीके से इसको पलट पलट कर सेक लेते हैं, और सारे जो तुर्किश रोटी है, फ्लैट वाले ब्रेड जिसको बोलते हैं, उसको हम अच्छे से इसी तरीके से सबको तैयार कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही फूले फूले और बहुत ही टेस्टी लगेंगे ये खाने में। तुर्किश ब्रेड ये जो बन रहे हैं, तवा ब्रेड, माशाल्लाह बहुत अच्छे बन रहे हैं। देखिए बिल्कुल फूले से है। इसी तरीके हम सारे बना लेते हैं। देखिए हमने दूसरा भी ब्रेड भी जो है रोटी को डाल दिया है, तुर्किश ब्रेड जिसे कहते हैं। देखिए भी माशाल्लाह कितने अच्छे से फूल गया है। देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे तुर्किश तवा ब्रेड बनके बिल्कुल तैयार हैं, और ये बहुत ही सॉफ्ट बने हुए हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। आप हमारी बताई गई रेसिपी के तरह ही बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप पूरी तैयारी करके अगर आप बनाएंगे तो आपकी ये रोटियां बिल्कुल इसी तरीके से, जिसको ब्रेड भी कहते हैं, देखिए कितने अच्छे से खुल भी जा रही है माशाल्लाह। आप इसी तरीके से बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। आप इसे सालन वगैरह से भी खा सकते हैं, आप सब्ज़ी से भी खाएँ, जैसे मन चाहे वैसे खाएँ। और हमारे जो चैनल को है लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, हमारे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमें दुआओं में याद करें, और हमारे चैनल के लिए भी दुआ करें ताकि हमारी प्रोग्रेस हो। इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।